दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि जो मोटर के अंदर रोटर रहता है उसके जो बार्स रहता है यानी कि ये जो बार्स रहता है ये तिरछे क्यों रहते हैं यानी कि स्क्रूवेट क्यों रहते हैं। बेसिकली तिरछे बार इसके लिए रहता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारे रीजन्स हैं, इसको हम लोग एकदम डिटेल में जानने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बेसिकली मोटर के अंदर दो मेन हिस्से रहते हैं, एक रहता है स्टेटर और एक रहता है रोटर, ये आपको मालूम ही रहेगा। स्टेटर यानी ये वाला हिस्सा जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर रहता है, उसमें भी ऐसे बार्स बने हुए रहते हैं यानी कि स्लॉट्स बने हुए रहते हैं, बार्स यानी कि स्लॉट्स। ओके, इसके अंदर क्या किया जाता है कि वाइंडिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कॉपर वायर्स का ऐसे वाइंडिंग की जाती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाइंडिंग है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है वाइंडिंग है, यहाँ पे इस तरह से स्लॉट के अंदर वाइंडिंग की जाती है। रोटर के अंदर वाइंडिंग वाले भी स्लॉट्स आते हैं और विदाउट वाइंडिंग यानी कि डायरेक्टली कंडक्टर प्लेट वाला भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। आपके सामने जो नजर आ रहा है ये कंडक्टिव प्लेट वाला है, यानी पे आप देख सकते हैं तिरछे हैं, ये कंडक्टिव प्लेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई वाइंडिंग आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन कंडक्टिव प्लेट्स है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो रोटर है इसके जितने भी हिस्से हैं ना उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रकार के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसके हिस्से की बात करो तो रोटर के अंदर सबसे पहले रहता है शाफ्ट जो कि लोड हम लोग जहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक है, ये रहता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे बताया कि ये जो तिरछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्लेट को बोलते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टर्स है, कंडक्टर के एंड साइड को एक दूसरे के साथ में शॉर्ट किया जाता है, तो ये शॉर्ट रिंग बोलते हैं हम लोग इसको, शॉर्टिंग रिंग। फिर यहां पे रहता है बेयरिंग जो कि इसको प्रॉपरली मूव करने का काम करता है। तो बेसिकली इतने जो पार्ट रहता है वो रोटर के पार्ट रहता है, जो इंडक्शन मोटर रहता है उसके जो रोटर रहते हैं उसके अंदर इतने पार्ट रहते हैं। ठीक है, अभी मैं रोटर के बारे में बात करूं तो उसमें मैंने बताया थी कि दो चीज रहती है, एक रहता है जिसमें वाइंडिंग किए हुए रहता है, आप देख सकते हैं कॉपर वायर से वाइंडिंग किए हुए वाले पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्लॉट्स को तिरछे ही रखे गए हैं। दूसरा एक प्रकार आता है जिसमें वाइंडिंग ना करते हुए ऐसे प्लेट्स बिठा जाता है जिसको कंडक्टिव प्लेट्स बोलते हैं या रॉड बोलते हैं आप उसको, कंडक्टिव रॉड। रॉड यानी कि बेसिकली पट्टी रहता है कंडक्टर की जो कि पूरे इसमें बिठा दी जाती है और फिर उसको सील किया जाता है यानी कि यहां पे शॉर्ट कर दिया जाता है शॉर्टिंग रिंग की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट रिंग है जिसकी मदद से जो रोटर बार रहता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जबकि वाइंडिंग में उसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाइंडिंग अपने आप ही एक दूसरे को शॉर्ट की रहती है, इसलिए वाइंडिंग जो रहती है ये भी तिरछी रहती है और स्लॉट्स बार रहते हैं ये भी तिरछे रहते हैं। दोनों के दोनों तिरछे क्यों रहते हैं अभी वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तिरछे रखने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले इंक्रीज टार्क, रिड्यूस नॉइस, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टार्क, ये सब चीजों को हम लोग पहले डिटेल में देख लेते हैं तो अभी आपको ये सब चीजों को समझ में आएगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। मैंने मोटर चालू किया तो जो शुरुआत ही जो फेज है यानी कि शुरुआत में जो मोटर एकदम धीरे 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 चालू होता है करेक्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चालू ही नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग टार्क इसके लिए स्टार्टिंग के अंदर जो ताकत है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ज्यादा कैसे मिलेगा, करंट को अगर मैं कम करूंगा ना तो ताकत ज्यादा मिलती है, ये उसका फिनोमेना है, ये उसका फंडा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, करंट को हमें कम करना रहता है स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग में अगर मोटर घूमनी चाहिए प्रॉपरली तो उसके लिए करंट को हमें क्या करना पड़ता है, करंट को कम करेंगे तभी उसको ज्यादा फोर्स मिलता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है, करंट को कैसे कम करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो स्लॉट्स है यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये जो बार्स है ये ऐसे तिरछे लगे हुए, अगर मैं समझो इसको सीधा बैठाता था तो ये कम बैठते, इसकी जो साइज है वो छोटी आती थी, समझो ये यहां से मैंने यहां पे लिया तो ये जितनी लेंथ है उससे थोड़ी सी ज्यादा लेंथ अगर क्रॉस में बैठा तो लेंथ हमें क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। ये सबसे पहला फायदा होगा कि लेंथ हमें बहुत ज्यादा मिलती है और लेंथ ज्यादा मिलने की वजह से इसमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि करंट कम होगा और करंट कम होगा तो टार्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं टार्क ऑफ द इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन ऑफ द रोटर करंट एंड द रोटर पावर फैक्टर। द लेंथ ऑफ द रोटर बार यानी कि लेंथ ऑफ द रोटर बार गेट इंक्रीजेस व्हाइल स्क्विड, यानी कि लेंथ जो है वो बढ़ जाती है अगर उसको तिरछे लगाएंगे तो, बराबर है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ने पर उसका क्रॉस कनेक्शन एरिया की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो गया तो टार्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई हुई है, समझ में आया। ये पहला जो है इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क, दूसरा जो है प्रिवेंट कोजिंग। ये कोजिंग क्या रहता है अभी मैं बताता हूं आपको। अभी आपको चुंबक से आपने कभी खेला है, ओके, तो चुंबक का फिनोमेना क्या रहता है कि अगर सेम पोल अगर आमने सामने आ गया, यानी कि इसमें चुंबक में दो साइड रहती है, एक नॉर्थ और एक साउथ, बराबर है, तो नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लेकर आओ तो क्या आ गया, दूसरा भागेगा, दूसरा चुंबक एक दूसरे को चिपकेगा नहीं, भागेगा, और डिफरेंट पोल अगर एक साथ में लेकर आएगा तो चिपक जाएगा, करेक्ट।
यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ गया तो दूर भागेगा, नॉर्थ और साउथ सामने आ गया तो एक दूसरे को चिपक जाएगा, ये फिनोमेना है, करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है कि रोटर बार जो रहता है क्रॉस रखने की वजह से जो चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो गए वो जो हमारे नॉर्थ और साउथ ऐसे क्रॉस में हो गए उत्पन्न। तो इससे क्या होगा, जो स्टेटर में जो उत्पन्न हो रहा है नॉर्थ और साउथ पोल और उसके विपरीत यहां पे जो है निर्माण हो गया। अगर विपरीत हो गया तो क्या होगा, अगर स्ट्रेट रहेगा ना तो सेम टू सेम एक दूसरे के साथ में आ जाएगा तो पकड़ लेगा एक दूसरे को, लॉक हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉक बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा। और मैग्नेटिक लॉक ना हो तो क्रॉस करने का फायदा क्या होता है कि समझो यहां पे नॉर्थ आया है तो उसके सामने अगर साउथ आएगा लेकिन नीचे की तरफ वो नॉर्थ होना चालू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से लॉकिंग होगा ही नहीं, तो जो हमारा मोटर है वो लॉक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाता है, बराबर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है क्रॉस करने के, ये जो रोटर बार के जो बार है वो तिरछे रखने के ये फायदा होता है कि नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ में आएगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से रोटर घूमता ही रहेगा, मैग्नेटिक लॉक नहीं होगा। दूसरा जो है वो प्रिवेंट क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब क्या रहता है, अभी जैसे कि छोटे बच्चे लोग इस तरह से चलते हैं उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में एक हार्मोनिक क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक नुकसान रहता है एक तरीके से। बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक में जब भी करंट को पसार किया जाता है तो उसमें हार्मोनिक लॉसेस होता है, उसकी वजह से जो मोटर की जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है। मान लो 3000 RPM की मोटर है तो उसके पे शायद आपको 1000 RPM में घूमने लगे या 100 RPM में भी हो जाए, इतना कम हो जाएगा स्पीड। मोटर में कोई नुकसान नहीं होगा, मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखेंगे वाइंडिंग बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा स्लो क्यों घूम रहा है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन स्लो घूम रहा है, इसका रीजन है हार्मोनिक, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोनिक बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है आपके मोटर में, उस नुकसान को बचाने के लिए जो स्लॉट बार है उसको तिरछे रखे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हार्मोनिक के ऊपर एकदम डिटेल में एक लेक्चर बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा, तो मैं जरूर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आता है रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग एंड नॉइस रिडक्शन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग मोटर को समझो सप्लाई देते हैं, 2 phase, सिंगल फेज या 3 phase, ओके, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक हमिंग चालू हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक हमिंग का मतलब होता है एक प्रकार का साउंड आता है, उसमें से आवाज आता है, साथ ही साथ कुछ वाइब्रेशंस होता है, और उसकी वजह से जो हमारी मोटर है वो काफी ज्यादा आवाज करने लगती है। और उसको बचाने के लिए जब ये क्रॉस रहेगा ना, मतलब तिरछे रहेगा हमारे जो रोटर के बाहर से तिरछे रहेगा, तो हमिंग साउंड जो रहता है वो वहां पे कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होने की वजह से जो वाइब्रेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको आवाज भी नहीं आएगा, हमिंग साउंड भी कम हो जाएगा, और आपकी मोटर बहुत ही आसान से साइलेंट तरीके से आपको आवाज बहुत ही कम आएगा, ना के बराबर आवाज आएगा, और आपकी मोटर काम करती रहेगी। मैंने जैसे बताया आपको मोटर के जो बाज रहता है जो क्रॉस रखने के जो फायदे रहते हैं वो इतने सारे फायदे रहता है। तो फायदे एक बार वापस से देख लो, इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क, नॉइस रिडक्शन भी होता है, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टार्क, टार्क जो रहता है उसको बनाए रखता है, कोलिंग क्राउलिंग से हमें बचाता है, इंप्लीमेंटिंग हार्मोनिक जो है उससे उसके जरिए हमें बचाने की कोशिश करता है, मैग्नेटिक पुलिंग यानी कि एक दूसरे के मैग्नेटिक लॉक ना हो जाए ये ध्यान रखता है, और एक चीज रह गई कि उसमें बैटर वोल्टेज जो रहता है वो फॉर्म होते रहता है, यानी कि वोल्टेज जो रहता है हर एक बार्स के अंदर जो भी स्टेटस के अंदर है रोटर के अंदर वो प्रॉपरली मेंटेन रखता है इसके अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्रॉस रखने के, ये जिसके जो बार्स रहते हैं क्रॉस रखने के इतने सारे फायदे रहते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर कराना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, याद रखे कमेंट में जरूर लिखे कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।